हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंड्रॉयड 101। ये हमारा 41 ट्यूटोरियल है एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट का, जिसमें हम लोग बात करेंगे आपके मेथड की और पैरामीटर्स की। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि मेथड को यूज़ क्यों करते हैं। एग्जांपल के तौर पर आपने अपने एक रोबोट को कुछ काम दिया है, जैसे कि पैसे लेना, फिर ओपन करना डोर को, फिर क्लोज़ करना डोर को, फिर वॉक करना है उसे 100 मीटर, फिर लेफ्ट टर्न करना है, फिर राइट टर्न करना है, और फिर शॉप के अंदर जाके मिल्क लेना है। तो वो हम मेथड की मदद से करवा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस कोड को पूरा यहाँ पर से डिलीट कर दूँगा। ये कोड को हम पूरा डिलीट कर देंगे यहाँ पर से, और इसके बाद पब्लिश स्टडी कोड में, इनके बाद मैं एक मेथड को क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैंने मेथड को क्रिएट करने के लिए लिखा है सिंपल पब्लिक पब्लिश स्टैटिक वॉइड, और यहाँ पर आप अपने मेथड का नेम देंगे। तो यहाँ पर मैं दे रहा हूँ गेट मिल्क, क्योंकि हमारा यही काम ये कर रहा है। इसके बाद मैं ले आऊँगा कर्ली बेसिस, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट टैलन से कुछ स्टेटमेंट को प्रिंट करवाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैंने कुछ कोड लिखा है जिसमें मैंने कुछ प्रिंट्स वैल्यू प्रिंट करवाई हैं। तो इसे मैं रन करके देखता हूँ मेरा आउटपुट क्या आता है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने आउटपुट इतना देखा तो मेरा आउटपुट कुछ भी नहीं आया है। क्यों नहीं आया है कुछ भी? ये इसलिए नहीं आया है क्योंकि हमने मेथड तो बना लिया, ये मेथड हमने डिफाइन कर लिया, लेकिन हमने इसे कॉल नहीं किया। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि सबसे पहला आपका स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ये वाला मेथड चलता है, और यही आपका एंट्री पॉइंट है। अगर आपने इसके अंदर कुछ नहीं लिखा है तो कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, चाहे आपने इससे पहले लिखा हो, मेन से पहले या मेन के बाद। तो यहाँ पर देखिए, ये मैंने डिफाइन तो कर दिया है मेथड, इसको मैं कॉल कैसे करूँगा? कॉल करने के लिए मुझे सिंपल क्या करना है, इसका सिर्फ नेम लिखना है, जो कि हमारा है गेट मिल्क। और यहाँ पर देखिए, टैब दबाऊंगा तो गेट मिल्क हमारा कॉल हो गया। अब मैं इसे रन करूँगा तो ये चारों स्टेटमेंट हमारी रन हो जाएंगी। सबसे पहले मेन के अंदर जाएगा, वो देखेगा कि गेट मिल्क एक मेथड को कॉल करना है, और वो ढूंढेगा कि आपका गेट मिल्क कहाँ है। उसे मिल गया यहाँ पर गेट मिल्क, वो क्या करेगा, सबसे पहले इसे यहाँ पर से कॉल कर देगा और ये सब इंस्ट्रक्शन को चला देगा। अब देखिए, इसी के अंदर आप पैरामीटर कैसे पास करेंगे, और पैरामीटर पास करने की ज़रूरत कब पड़ती है। लेट अस सपोज कीजिए गेट मिल्क है, और यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि पास करनी है मुझे वैल्यू कि मुझे कितने कार्टन मिल्क लेना है, एक कार्टन, दो कार्टन, तीन कार्टन, वो नंबर होगा इंटीजर में। तो यहाँ पर लिखूँगा मैं इंट, सबसे पहले इंटीजर टाइप का, और यहाँ पर इसे मैं नेम दे दूँगा। तो यहाँ देता हूँ नंबर ऑफ कार्टन, नंबर ऑफ कार्टन मैंने यहाँ पर ये दे दिया। अब देखिए, ये क्या करेगा, ये प्लेस होल्डर है, ये वैल्यू को होल्ड करेगा। कौन सी वैल्यू को होल्ड करेगा, जो यहाँ पर मैं भेजूँगा। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है एरर, अगर मैं देखूँ किस तरह का एरर है, तो यहाँ पर कह रहा है गेट मिल्क इंट इन अ माई क्लास कैन नॉट अप्लाइड टू एम्प्टी पैरेंथेसिस, एम्प्टी ब्रैकेट के अंदर आप इसे अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि एक वैल्यू पास होनी चाहिए, जो कि कौन पास करेगा, कोई भी पास कर सकता है, यूज़र पास कर सकता है, या ऑटोमेटिकली पास हो सकती है। तो यहाँ पर मैंने 2 पास कर दिया, तो ये हमारा एरर हट गया है। तो यहाँ पर हमें दिखा भी रहा है कि नंबर ऑफ कार्टन्स क्या है, यहाँ पर इस केस में 2 है। अब इस नंबर ऑफ कार्टन्स का मैं यूज़ कैसे कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ नंबर ऑफ कार्टन्स को, कहीं पर भी प्रिंट करवा सकता हूँ। जैसे कि मैं लिखता हूँ बाय, और यहाँ पर मैं बताना है कि टू नंबर ऑफ कार्टन्स को यूज़ करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख देंगे प्लस, और यहाँ पर हम लोग कर देंगे नंबर ऑफ कार्टन्स प्लस, इस तरीके से। तो अगर मैं इसे प्रिंट कराऊंगा तो यहाँ से ये 2 वैल्यू उठाएगा और इस प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर डाल देगा। तो यहाँ पर देखिए, इसे रन करता हूँ मैं, तो यहाँ देखिए बाय 2 मिल्क हमारा इस तरीके से लिखा हुआ आ गया। अब देखिए, फिर से मैं इसी मेथड को अगर कॉल करूँ, यहाँ पर लिखूँ गेट मिल्क और इंटीजर वैल्यू यहाँ पास करूँ मैं 15 इस तरीके से, तो यहाँ पर इसे दोबारा से रन करके देखेंगे कि किस तरह का हमारा आउटपुट आएगा। तो हमारा देखिए किस तरह का आउटपुट आ रहा है, हमारे 4 आउटपुट आ रहे हैं। सबसे पहला हमारा आ रहा है ओपन डोर वॉक टू स्टोर बाय 2 मिल्क, जो कि हमने पहले दिया। तो सबसे पहले नंबर 1 एग्जीक्यूट हुआ, यहाँ से 2 वैल्यू पास हुई नंबर ऑफ कार्टन्स में, और ये नंबर ऑफ कार्टन्स यहाँ पर से इधर बाय के बीच में आया 2, फिर आया मिल्क। उसके बाद रिटर्न होम, फिर से हमने गेट मिल्क को चलाया, 15 पास किया इसमें, तो ओपन डोर आया, वॉक टू स्टोर आया, और बाय की जगह पर क्या आ गया,
अब आ गया नंबर ऑफ कार्टन्स कितने हो गए 15। इसी तरह से और चेंजेस भी मैं कर सकता हूँ अगर मैं करना चाहूँ तो। यहाँ पर देखिए इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल और ले लेता हूँ और वो जो वेरिएबल होगा उसको मैं ले लेता हूँ इंट, और यहाँ पर देता हूँ प्राइस टू पे, कितने रुपये पे करने हैं। प्राइस टू पे इजिकल टू, यहाँ पर लिखूँगा नंबर ऑफ कार्टन्स, मल्टीप्लाई कर दूंगा इससे कितने रुपए से जो आपका रेट चल रहा है, जो कि आपका अप्रॉक्स 35। ये आपके एक कार्टन का रेट है 35, तो यहाँ पर इसे सेमी कॉलन लगा लेंगे तो प्राइस कितना आ गया, नंबर ऑफ कार्टन्स इनटू 35। अगर इस प्राइस टू पे के नीचे आपको देखिए लाइन दिख रही होंगी, एरर दिखा रहा होगा, ये कह रहा है कि ये जो आपका प्राइस टू पे है ये यूज़ ही नहीं किया गया है, तो इसे हम यूज़ कर लेते हैं ताकि हमारा एरर हट जाए। तो यहाँ पर देखिए एक और प्रिंट स्टेटमेंट में लिख सकता हूँ, यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन डबल क्वेश्चन कोटेशन, मैं यहाँ लिखूँगा पे और फिर यहाँ प्लस का साइन, एक और प्लस का साइन, और उसके बीच में हम लोग क्या कर लेंगे प्राइस टू पे को डाल देंगे। प्राइस टू पे डाल दिया इस तरीके से मैंने, RS कितने रुपीज़ यहाँ पर इसे पे करने हैं किसको, शॉपकीपर को। तो यहाँ पर इसे रन करूँगा मैं, देखिए तो यहाँ पर देखिए अलग अलग वैल्यू आ रही है। सबसे पहले ओपन अ डोर, वॉक टू स्टोर, बाय टू मिल्क, पे 70 रुपीज़, रिटर्न होम, ये हमारा आ गया। फिर ओपन डोर आया क्योंकि दोबारा से हमने चलाया है, दो बार चलाया हमने यहाँ पर वैल्यू, देखिए कैट मिल्क दोबारा चलाया जिसमें 15 कार्टन्स मंगाए हैं हमने फिर से रोबोट से, तो फिर से उसने ओपन डोर, वॉक टू स्टोर, बाय 15 मिल्क्स और पे 525 रुपीज़ और रिटर्न होम। तो इस तरीके से आपने क्या क्या मेथड का यूज़ किया, उसमें हमने पैरामीटर को पास किया, जो पैरामीटर हमारा क्या था, नंबर ऑफ कार्टन्स, इस तरीके से। तो एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं, तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक मेथड बनाया गेट मिल्क नेम से, जो कि क्या करेगा मिल्क लेके आएगा। फिर हमने क्या किया, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन चलाए यहाँ पर, ये चार सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, और फिर हमने उसे मेन मेथड में कॉल किया है, इसे कहते हैं कॉलिंग, ये हमने कॉल किया है इसको, और नीचे क्या किया है, इसे डिफाइन किया गया है, ये डिफाइन किया गया है मेथड और यहाँ पर इसे कॉल किया गया है, और इस कॉल के अंदर हमने क्या किया है पैरामीटर को पास किया है, और पैरामीटर कैसी वैल्यू ले रहा है, इंटीजर वैल्यू ले रहा है, और इसका नाम क्या है, नंबर ऑफ कार्टन्स, और ये नंबर ऑफ कार्टन्स में हम टू वैल्यू पास कर रहे हैं, और ये टू वैल्यू कहाँ से हो जाएगी, नंबर ऑफ कार्टन्स में, फिर वही वैल्यू को हम यूज़ कर रहे हैं और प्रिंट करा दे रहे हैं, और प्राइस को भी हम यहाँ पर चेंज कर रहे हैं, प्राइस टू पे में क्या आ रहा है, नंबर ऑफ कार्टन्स इंटू 35, हमने एक अर्थमेटिक ऑपरेशन यहाँ पर लगा दिया। उसके बाद आप देख रहे होंगे फिर से एक गेट मेथड, गेट मिल्क मेथड हमारा आया है, जिसमें हमने 15 वैल्यू को पास किया है पैरामीटर से, जो कि चेंज हो किसको करेगी, नंबर ऑफ कार्टन्स को, पहले दो थी वैल्यू 15 कर देगी, और यहाँ पर प्राइस टू पे 15 इंटू 35 होगा, और उसके बाद ओपन डोर, वॉक टू स्टोर, फिर हमने यहाँ पर इस वेरिएबल को कॉल किया है, नंबर ऑफ कार्टन्स को यहाँ पर बुलाया हमने, इसे लिखवाया इसकी वैल्यूज़ को, उसके बाद प्राइस टू पे को भी हमने यहाँ से बुलवाया, फिर रिटर्न होम। तो इस तरीके से आप मेथड में पैरामीटर को पास कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताएंगे कि कैसे आप मल्टीपल पैरामीटर पास कर सकते हैं, अभी तो हमने एक ही पैरामीटर पास किया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप मल्टीपल पैरामीटर को पास कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।